हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनसंचार अचीवर्स। मैं रजत शर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन। इसमें हम बात करेंगे कि जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जर्नलिज्म रिक्वायर्स अ स्पेशल बेंट ऑफ माइंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन इज अ की इंटरेस्ट इन करंट इवेंट्स और डे टू डे हैपनिंग्स। जर्नलिज्म के लिए हमें स्पेशली एक ऐसा माइंड चाहिए जिसका जर्नलिज्म के प्रति झुकाव हो, और जर्नलिस्ट बनने के लिए सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए करंट इवेंट्स में और डे टू डे हैपनिंग्स में। मतलब हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं, नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। अ बर्डिंग जर्नलिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री एंड अब्रॉड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक जो बडिंग जर्नलिस्ट है, जो जर्नलिस्ट बनना चाहता है, उसको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक मूवमेंट्स के बारे में अच्छी जानकारी रखनी चाहिए कि स्पेशली हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में क्या चल रहा है, उसको बारीकी से इन सब का अध्ययन करना चाहिए। ही मस्ट टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन करंट इवेंट्स एंड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टू डेवलप अ प्रॉपर परस्पेक्टिव। उसको इंटरेस्ट अपना क्रिएट करना चाहिए करंट इवेंट्स में, और साथ साथ उसको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, जिससे कि वो एक जो उसको एक परस्पेक्टिव बनाना है उसको अच्छे से वो डेवलप कर सके। In fact, a journalist has to be well-read and learned man. He must have a well-stocked mind. जो जर्नलिस्ट है उसको एक तो अच्छे से उसको सब चीजें रीड करनी चाहिए। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसका मटेरियल होना चाहिए। वो कैसे आएगा? अगर आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा लर्न करने के इच्छुक हैं, और उनके पास मतलब अगर वो कुछ लिखना चाहते हैं तो उनके पास वेल स्टॉक्ड माइंड होना चाहिए। इट मींस कि जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ही हैज टू बी अवेक, अलर्ट एंड एक्टिव। ही मस्ट पोजेस अ साउंड मेमोरी। ही मस्ट हैव एन एनालिटिकल माइंड। और उनको क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। इट मींस कि जो भी हो रहा है आसपास, उनको एक एक तरह से जर्नलिस्ट की नजर से देखना चाहिए, एक कॉमन लेमैन की तरह से नहीं। एक साउंड मेमोरी होनी चाहिए उनके पास। इट मींस कि अगर उन्होंने कोई चीज वो देख रहे हैं, उनको फटाफट रिकॉल करना चाहिए कि इसके बारे में उनके पास क्या क्या मटेरियल है, और उसको उनका माइंड ऐसा होना चाहिए कि उस जो इवेंट है उसको वो अच्छे से एनालाइज कर सके। अ जर्नलिस्ट मस्ट हैव ओरिजिनल थिंकिंग इन द फेस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो जर्नलिस्ट है उनको क्या होना चाहिए? ओरिजिनल थिंकिंग होनी चाहिए, यूनिक थिंकिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी और की थिंकिंग है, उसके बारे में वो काम कर रहे हैं, उनका माइंड क्या सोचता है उस इवेंट के बारे में, जो टाइम टू टाइम इवेंट हो रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। ही हैज टू इंटरप्रेट, एक्सप्लेन एंड कॉमेंट ऑन इवेंट्स। जो एक इवेंट हो रहा है उसको अच्छे से उन्हें इंटरप्रेट करना चाहिए। मीन्स कि वो उसका अर्थ निकालना चाहिए कि क्या हो रहा है, उसका व्याख्यान करना चाहिए, उस पर कॉमेंट देना चाहिए। ही मस्ट रीड एक्सटेंसिवली एंड एसिमिलेट फैक्ट्स। अ जर्नलिस्ट हैज अ नोबल टास्क टू परफॉर्म। ही मस्ट प्रेजेंट फैक्ट्स बिफोर द पीपल। उनको क्या करना चाहिए? एक एक्सटेंसिव तरीके से रीडिंग करनी चाहिए। जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, उनको इकट्ठे करना चाहिए। और जो उनको एक ये जो नोबल टास्क है, मतलब जो एक नैतिक उनकी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, और जो फैक्ट्स उन्होंने गैदर करे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसको लोगों के आगे पेश करना चाहिए। ही इज एन एजुकेटर। ही हैज टू फॉर्म एंड बिल्ड पब्लिक ओपिनियन। जो जर्नलिस्ट है वो एक एजुकेटर का भी काम करता है। उनको क्या करना है? एक पब्लिक ओपिनियन को बनाना है। He must have an independent way of thinking. He must have the courage of his conviction. जो उनकी सोच है वो independent होनी चाहिए, मतलब वो dependent नहीं होनी चाहिए किसी चीज पर कि उनको कुछ gather करना है तो वो third person बताएगा, फिर वो उसको gather करेंगे, फिर उसका अध्ययन करेंगे। उनकी जो सोच होनी चाहिए वो स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए, independent तरीका होना चाहिए, और उनके पास इतना साहस होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उस पर स्थिर रहें।
he must not be biased or prejudiced against anybody or any organization. उनको जो भी वो बता रहे हैं वो बायस नहीं होना चाहिए, मतलब किसी एक पक्ष के प्रति उनका झुकाव नहीं होना चाहिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो स्वतंत्र तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए. ही मस्ट हैव इनसाइट इनटू ह्यूमन माइंड, उनमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो लोगों का माइंड है वो उसको पढ़ सके. ही मस्ट लिव एंड मूव अमंग पीपल टू स्टडी देयर मोड ऑफ लिविंग. A good journalist combines in him all these qualities of head and heart. उनको क्या करना चाहिए, फर्स्ट पर्सन इफेक्ट होना चाहिए, उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनका ओपिनियन क्या है, और उनको अपने दिमाग और दिल दोनों से दोनों का राय लेनी चाहिए. A journalist must not forget the fact that he is supposed to perform an important social duty. और जो जर्नलिस्ट है उसको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो ये जर्नलिज्म का टास्क है वो एक सोशल ड्यूटी है, एक उनकी हम कह सकते हैं कि जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है. इट इज हिज बाउंडन ड्यूटी टू प्रॉपरली एजुकेट द मासेस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज. जो समाज में लोग रह रहे हैं उनको उन्हें एजुकेट करना चाहिए, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, मीन्स उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उसके बारे में इन्हें बताना चाहिए. ऑल्सो ही हैज टू प्रेजेंट बिफोर वन एंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ डे टू डे लाइफ विदाउट एनी बायस और इंटरेस्ट. उनको क्या करना चाहिए कि जो भी वो फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी इवेंट के बारे में, जो डे टू डे इवेंट्स हो रहे हैं, उनको विदाउट बायस और उनमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. ही हैज टू कीप हिज ओन पर्सनल प्रीजुडिसेस अवे फ्रॉम व्हाट इज राइटिंग. जो वो लिख रहे हैं उनमें उनका जो पर्सनल जो उनकी धारणाएं हैं जो उन्होंने पहले से बना रही हैं वो उस राइटिंग को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए. ही शुड गार्ड अगेंस्ट बींग एक्सप्लॉयटेड बाय दोज हु आर इन पावर. उनको क्या करना चाहिए कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पावर में है, जो जिनके पास पावर है, वो दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें, उनका शोषण ना करें, इस बारे का उनपे ध्यान रखना चाहिए. और ऐसे लोगों से जो आदमी है उनकी जो ऑडियंस है उनकी रक्षा करनी चाहिए. पॉलिटिकल क्लाउट और द पावर ऑफ वेल्थ शुड नॉट फ्राइटन और कोर्स अ जर्नलिज्म इनटू राइटिंग विद सम अल्टीरियर मोटिव. जो मीन्स जो राजनेता है उनका जो प्रभाव है, उनकी जो वेल्थ का प्रभाव है, उनके जर्नलिज्म पर वो किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करना चाहिए. दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज, अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एंड अ ट्रू सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म एंड ह्यूमैनिज्म. इसके लिए उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए उन्हें बहुत करेज की जरूरत है, मींस कि उनका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और जो राष्ट्रीयता की भावना उनमें होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, तब जाकर वो एक अच्छे जर्नलिस्ट बन पाएंगे. Journalism today offers vast opportunities to young men and women. It is developing and expanding profession. जो आज का जर्नलिज्म है वो यंग जो लोग हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज, जो काफी सारे अवसर उन्हें प्रदान कर रहे हैं, और एक तरह से जो जर्नलिज्म का प्रोफेशन है जो लगातार बढ़ता जा रहा है. इन इंडिया द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म हैज अ ग्रेट फ्यूचर. In the wake of multi-channel TV program, journalism is holding a great promise to many young men and women. भारत में जो जर्नलिज्म का प्रोफेशन है उसका एक अच्छा फ्यूचर है. जैसे जैसे हमारे पास बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं तो जर्नलिज्म ने क्या है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर दी हैं यंग मैन एंड वीमेन के लिए. सम जर्नलिस्ट डिस्टॉर्ट फैक्ट्स एंड एग्जैजरेट थिंग्स, दे स्प्रेड बेसलेस र्यूमर्स. कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो फैक्ट के साथ, जो आंकड़े हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं. कुछ वो ऐसे र्यूमर बना देते हैं जिनका कोई बेस नहीं है, अफवाहों को बढ़ावा देते हैं. देयर आर अदर्स हु थ्राइव ऑन स्लैंडर और अब्यूज एंड दे टेक डिलाइट इन ऑब्सेनिटी एंड वल्गैरिटी. कुछ ऐसे भी हैं जो अब्यूज तरीके से काम करते हैं, जो वल्गैरिटी दिखाते हैं, ऑब्सेनिटी दिखाते हैं. दिस इज नोन एज जर्नलिज्म. तो इस तरह का नेगेटिव जर्नलिज्म होता है उसको हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं. सच जर्नलिस्ट आर इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस शुड बी ब्रॉट टू बुक. इन फैक्ट जर्नलिज्म एज ए प्रोफेशन कैन ब्रेक फ्रेश ग्राउंड्स एंड अट्रैक्ट मेनी यंग एंड वुमेन इन दिस फील्ड. जो येलो जर्नलिज्म को बढ़ावा देते हैं उनको बुक्ड करना चाहिए, मतलब उनको पनिश करना चाहिए. एक्चुअली जो
जर्नलिज्म है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जो यंग हमारी जो मेन और वीमेन है उनके लिए एक क्या कर रहा है, उनके लिए एक फ्रेश ग्राउंड बना रहा है जिससे कि वो जो जर्नलिज्म है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, एज ए करियर उसको परस्यू कर सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स। थैंक यू।